गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका ज्योग्राफी का लेसन हमने किया था एनवायरनमेंट चैप्टर 1। आज हम उसकी वर्कशीट करेंगे, साथ में आंसर भी दे रही हूँ आपको मैं। तो आप इस इन सबको अपनी नोटबुक में नोट करना है और साथ में इनको लर्न भी करना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। तो आपको मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं। एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हम अपने सराउंड में देखते हैं। द प्लेस, द पीपल, थिंग्स एंड नेचर देयर सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइज। नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। आंसर इज द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के टू टाइप्स बताइए। द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट आर बायोटिक एंड अबायोटिक। दो तरह के नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक क्या होते हैं। बायोटिक मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। अबायोटिक में नॉन लिविंग जैसे कि लैंड, एयर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर ह्यूमन बींग्स मॉडिफाइंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे जब हमने लेसन डिस्कस किया था तब हमने बताया था कि ह्यूमन बींग जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज करते जा रहे हैं, मॉडिफाई करते जा रहे हैं। तो क्यों करते जा रहे हैं। द आंसर इज ह्यूमन बींग्स आर मॉडिफाइंग द नेचुरल एनवायरनमेंट बिकॉज देयर नीड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्योंकि उनकी जरूरतें जो हैं डे बाय डे जो है बढ़ती जा रही हैं। उनको रहने के लिए स्पेस चाहिए, या फैक्ट्रीज बनाने के लिए, या शॉप्स बनाने के लिए, या फिर और भी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ह्यूमन बींग्स की नीड्स भी जो है बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को जो है मॉडिफाइड करते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की डेफिनेशन बताइए। लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं। लिथोस्फीयर इज सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। अर्थ की जो सबसे टॉप लेयर होती है, जो सॉलिड होती है सब क्रस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर बनी किससे होती है, रॉक से, चट्टानों से और मिनरल से। और ऊपर सबसे ऊपर जो है थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है, मिट्टी की एक पतली सी लेयर से कवर की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल डैश एंड स्क्रोचिंग डैश ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर जो है ये भी एक नेचर का वो पार्ट है जो कि हमें किससे बचाता है। एटमॉस्फेयर ने जो है हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है, तो इसलिए हमें किस चीज से बचाता है। एटमॉस्फेयर जो है जो सूरज से हार्मफुल रेज आती है, सूरज की जो हार्मफुल किरणें होती हैं और ज्यादा तेज धूप होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड फिलअप लिथोस्फियर इज एन इनरेगुलर सरफेस विद वेरियस डैश सच एज माउंटेन एंड प्लेन। लिथोस्फियर जो है एक इरेगुलर सरफेस है। इरेगुलर मतलब इरेगुलर नहीं है, बिल्कुल को प्लेन नहीं है। इसमें कई तरह के लैंडफॉर्म्स हैं जिनमें माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूस सब आ जाते हैं। थर्ड इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल 5 जून को। नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द डैश एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। एनवायरनमेंट जो किस किस चीज को मिला के बना हुआ है, नेचुरल और ह्यूमन मेड। जो ह्यूमन ने कुछ चीजें बनाई हैं और साथ में जो नेचुरल होती हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है जिसको मिला के एनवायरनमेंट बनता है। नेक्स्ट टॉपिक इज आंसर इन वन वर्ड। विच डोमेन प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अर्थ के जैसे मैं आपको तीन डोमेन बताए थे, तो कौन सा डोमेन जो है
जिसमें हमें फॉरेस्ट मिलते हैं, ग्रासलैंड मिलते हैं और एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड मिलती है। द आंसर इज लिथोस्फीयर। सेकेंड, द डोमेन ऑफ वॉटर इज रेफर्ड टू एज। वॉटर के डोमेन को क्या बोलते हैं? जहां पे पानी मिलता है उस सी है, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, उनको उस डोमेन को क्या बोलते हैं? आंसर इज हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट, व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। थिन लेयर जिसने हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है, हवा की जो एक थिन लेयर है जिसने अर्थ को कवर किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? आंसर इज एटमोस्फियर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आपस में इंटरेक्शन करते हैं? द आंसर इज इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अर्थ में एक ऐसा नैरो जोन होता है जहां पे लैंड वाटर एयर तीनों मिलते हैं ताकि वहां पे लाइफ सपोर्ट कर सके, जहां पे लाइफ होती है। अर्थ के जिस नैरो जोन पे लाइफ होती है वहां पे तीनों पार्ट मिलते हैं, लैंड वाटर एयर, उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर इज बायोस्फीयर। ओके क्लास, अब इन सारे नोट्स को अपने इन क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट करना है और उनको लर्न करना है।